देर वॉज दिस न्यूज, टाइम आ गया है टू गिव द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट्स ओन गवर्नमेंट, इट्स ओन गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन. क्या है स्थिति, एक बार इसको पहले समझते हैं. हमारे देश में देखिएगा, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हमने हटाया, ठीक है जी. और आर्टिकल 370 हटाने के साथ साथ वी हैव ब्रिंग सर्टेन फंडामेंटल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर. वो क्या थे, इससे जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ स्टेट. लेकिन इसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाके इसको दो पार्ट में बांट देते हैं. एक तो बचता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये एक यूटी बनता है, प्लस लद्दाख को इससे हम अलग कर देते हैं और लद्दाख को एक और यूनियन टेरिटरी हम बना देते हैं, ठीक है. दिक्कत क्या थी, हमने जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनाया, यहां पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, यहां पे कोई विधानसभा नहीं होगी. आज भी अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे विधानसभा है, विधानसभा है तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा. एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली, तो दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, बट यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन होते हैं और यहां पे एक सीएम बनता है. एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने पौंडुचेरी, वहां पे भी सीएम बनते हैं. बाकी किसी और यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री बनने का प्रावधान नहीं था. ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों नहीं है, पॉलिटी का बड़ा डिस्कशन का पार्ट है, कभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो हमने जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बनाया, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी था जिसमें मुख्यमंत्री बनने का प्रोविजन था, यानी कि यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, बट लद्दाख को हमने प्रोविजन नहीं दिया, ठीक है. नाउ 2019 में ऐसा हो गया, बट ये टाइम उसमें डिसाइड नहीं किया कि 2020 में इलेक्शन होंगे, 21 में होंगे, 22 में होंगे, 23 में होंगे, इलेक्शन होंगे कब, तो सरकार ने तो डिसाइड नहीं किया. यहां पे क्या हुआ, एक और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे ने चैलेंज ये किया कि सरकार का ये 5 अगस्त 2019 का ये जो डिसीजन था ये सही नहीं था, इसको आप वॉइड डिक्लेयर कीजिए. ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल था और लीगल था, हेंस ये वैलिड है. बट सुप्रीम कोर्ट यहां पे एक और इलेक्शन कमीशन से बोलते हैं और एक डेट देते हैं. इलेक्शन कमीशन से बोलते हैं कि आप सितंबर 30 तक आप इलेक्शन के बारे में अपडेट दीजिए, इलेक्शन कराइए, डेट फाइनल कीजिए. यहां पे इसी डेट को ध्यान में रखते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि अब टाइम आ गया है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम आ गया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो और वहां के लोग खुद अपनी एक सरकार चुने. तो दिस इज द न्यूज. नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, एक और डेट दी है. अभी आज हम देखते हैं, आज 12 अगस्त है, इन्होंने एक डेट दी है 20 अगस्त. इन्होंने बोला है अभी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपको यह भी नाम याद रखना है, राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उन्होंने बोला है फाइनल इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल क्या होता है, इट्स लाइक अ लिस्ट जहां पे हमारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज सभी जो वोटर हैं उनका नाम होता है. तो वो जो इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश हो जाएगी 20 अगस्त तक, और उसके बाद में हम देखते हैं कब इलेक्शन कराएंगे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं. ओके, तो दिस इज द अपडेट. नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ते हैं. यू शुड नो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्शन कमीशन. नाउ हमारे देश में अगर आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रोविजन के अनुसार. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. हमारे देश में जब आप बहुत सारी संस्थाओं के बारे में सुनते हैं, चाहे इसमें सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो या सीएजी हो, तो कई बार हमारा हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना होता है कि इस बॉडी का ओरिजिन क्या है. संविधान है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, अगर किसी बॉडी का ओरिजिन का सोर्स लॉ है तो उसको स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं, और अगर किसी बॉडी का ओरिजिन का सोर्स गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है तो उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, और फॉर एग्जाम्पल सीबीआई एक स्टेचुटरी बॉडी है, ईडी एक स्टेचुटरी बॉडी है, तो ये आपको पता होना
चाहिए। नाउ व्हाट इज द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन हमारे देश में क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को हम स्टेट लेवल की बोलते हैं, कुछ को हम नेशनल लेवल की बोलते हैं, कुछ को अनरिकॉग्नाइज बोलते हैं। उनको इलेक्शन सिंबल्स एलोकेट करता है और हमारे देश में कुछ इलेक्शंस कराता है। कौन कौन से इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कराता है, राज्यसभा के लिए भी इलेक्शन कमीशन कराता है, लोकसभा के लिए, इसके बाद राज्यों के भी इलेक्शन कराता है। राज्यों में हमारे देश में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उनको भी इलेक्शन कमीशन कराता है। और हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे लॉ बनाने वाले दो हाउस हैं और उस सेकंड हाउस को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर को हम बोलते हैं एमएलसी। तो एमएलसी के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। यहां पे एक बात आप सभी लोग याद रखें, हमारे देश में राज्यों में इलेक्शन होते हैं पंचायत के। पंचायत वेब सीरीज अभी बड़ा फेमस थी ग्राम प्रधान वाली, पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। अगर हमारा विलेज इलाका है, ग्रामीण इलाका है, तो वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारा इलाका शहरी है, हम एक शहरी इलाके में रहते हैं, तो वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये जो दो इलेक्शन होते हैं, ये लोकल इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, ये इलेक्शन कराता है हमारे देश में राज्यों में भी इलेक्शन कमीशन होता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन होगा, बिहार में बिहार इलेक्शन कमीशन होगा। तो ये जो लोकल इलेक्शन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, ये राज्यों की अपनी एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो कराता है। दोनों हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जहां तक बात आए कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको चलाते कौन है, इसके हेड कौन है, तो इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी प्रेजेंट है मिस्टर राजीव कुमार, और इसके बाद दिस इज सपोर्टेड बाय, या दो और पोस्ट होती हैं इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अगर आप देखें एक बॉडी जो इलेक्शन कमीशन को चलाती है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है। यहां पे इन तीनों का स्टेटस और पावर बराबर होती है, कुछ पावर और स्टेटस में डिफरेंस नहीं है। नाउ टेन्योर कितना होता है? तो हमारे देश में जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका टेन्योर 6 साल या 65 ईयर ऑफ एज, इसमें से जो पहले आ जाए। अब मान के चलिए एक व्यक्ति 50 साल की एज में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो पहले 6 साल का टेन्योर होगा, 56 की एज आ जाएगी तो वो 6 साल का टेन्योर करके पूरा रिटायर होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 62 साल की एज में बनता है तो पहले क्या होगा, पहले आ जाएगी 65 साल की एज, तो उसका टेन्योर सिर्फ 3 साल का होगा। यानी कि टेन्योर आपका 6 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी एज कितनी है। जहां तक हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग को लेके भी क्वेश्चन उठा देते हैं, बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाइज है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली फंक्शन करवाए और सरकार के दबाव में ना आए। इसके लिए आप देखिएगा क्या प्रोविजन है हमारे देश में, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हटाने का प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट रखा है जितना सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो हमारे देश में अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं तो प्रोसेस सेम है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए यूज होता है। इसलिए आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरा ध्यान रखा है कि इस बॉडी को आप इतना पावरफुल बनाइए कि सरकार प्रेशराइज ना कर पाए। इफेक्टिवली प्रैक्टिकली इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेशराइज किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द न्यूज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर।